काशी एक समान। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। ये विधानसभा चुनाव जो 2023 के बाद था जा, ये भारत देश के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ये इतिहास। आप सबने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, आप सबने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं आप सबको तहे दिल से, मेरी माता बहनों को, नारी शक्ति, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग वडील और युवा साथी, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो वडील है उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ऐतिहासिक आज तक के इतिहास में कड़े विचारे नहीं किए तो कि 1,00,000 ऊपर वोट देंगे। कि 84 नी जी जनता है ये अटली जागरूक है कि पहला नेता ने पहला इन दिमाग में तो क्या जनता दारू और पैसे में बेसाई जा, लेकिन 84 की जनता इतनी जागरूक है कि पहला 8 बराबर वोट आप जन अपने एक ना अलग वोट। मतलब भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने बीजेपी पे एक थाजी, कांग्रेस बीजेपी पे एक थाजी जिला प्रमुख में। और आप सबने देखा होगा कि 84 विधानसभा में भी कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय सब मलिन अपने खिलाफ लड़ता था और पहला मलिन रात दौड़ो प्रचार करता था। लेकिन 84 की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कमल कांग्रेस के बहका में नहीं आई और आदिवासी समाज को लेके, अपने हक अधिकार को लेके जागरूक हुआ और एक तरफा वोटिंग की दी। मैं आज मैं ये जो कर्ज है, मैं रात दिन मेहनत करके आदिवासी समाज के हक अधिकारों को लेके और आदिवासी समाज ने शिक्षा लेने इतिहास को लेके रात दिन लड़ने का कोशिश करूंगा। और आप सबको कह रहा हूं कि अब्बा वाला समय में वो आवेगा कि आज अपने 3 सीटी 4 सीटी लगभग 3 तो फाइनल थी, एक बे नी गणना बाकी, अपने आसपुर और दरियावत 2 सीटी फेर नकली गई बाहर, अपने गणना भी बाकी है उसका क्या होता है, लेकिन एक इतिहास रचा गया है ये। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि अपने से भारत आदिवासी पार्टी बनी ली है, ये छोटी मोटी पार्टी नहीं रहेगी। अब ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में काम करेगी और पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। इनो उदयी मानो डूंगरपुर जिला है ना, करता धरता रहेगा। और डूंगरपुर जिला में 84 वाला अपने कसब करता धरता रंगाली पार्टी है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। साथ ही हमारे एससी समाज के भाई आए हुए हैं, माइनॉरिटी ओबीसी जनरल के भी भाई आए हुए हैं। एक लोगों ने माहौल बनाया था, लेकिन इन भाइयों ने भी कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया और अपन को वोट दिया, उनके लिए भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सबका भी जो भी काम काज होगा अवश्य आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका काम काज करेंगे। और मैं जितने जो साथी आए हैं, विशेष कर अहमदाबाद वाला भाई ही मारा अड़ा था कि बहुत बहुत निवेदन करवा चाहो
कि शांतिपूर्वक रहे वो शांतिपूर्वक जाओ, क्योंकि कई भाई सिर्फ निर्णय हमलिन स्वयं करें अहमदाबाद भी किया आज भी बहुत बड़ा हित भाई जी ने तह दिल से कि धन्यवाद। और मैं आज कहना चाहूंगा कि अहमदाबाद में कोरोना काल आया तब भी मैंने मदद की थी और वोट के मैं आपसे मिलने भी आया और जितवा बाद दोबारा जयपुर में शपथ ग्रहण हो जाएगा इसके बाद अहमदाबाद में 2 से 3 कार्यक्रम रखेंगे आपके बीच में हम आएंगे। आपका धन्यवाद सभा हम गुजरात में रखेंगे और आपके बीच में बा आएंगे। और आप सबको अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं कई लोग आरिंद रोए आंसू टपके लेकिन मैं उस समय निकला, मेरी जनता का जो प्यार था उस प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया मेरे आंसू टपके। और मैं आपको कह रहा हूँ अवश्य कि आप सब मिलजुल के रहना, एकजुट रहना और अवश्य इस समाज का इस क्षेत्र का भला करेंगे अपन सब मिलकरेंगे, हर प्रकार से फिराएंगे। और वो सभी ने निवेदन करवा चाहूँ वो गाटोल विधानसभा भी आपने जीती की बारे में मार वजन थोड़ा कम थी गये आ चुनाव अच्छा अच्छा मोटा मोटा नेता अशोक गहलोत जी के साथ परिणाम वसु आप चुनिए जीते कि जीते जो कोई फाइनल नहीं वसुंधरा राजन भी जो फाइनल परिणाम नहीं आप जी हम कहीं और 84 नहीं है पहल कहता जयपुर जयपुर हट जाता डूंगरपुर बांसवाड़ा किधर है 84 तो नाम नहीं जानता लेकिन 84 ने पूरे देश जानी क्यों है 84 वाला पास चले जाओ एक तो पहल परिणाम आप लोग आप जो और अपने 111,000 वोटर थे कि जिच्चा कर ला और 69,000 ने लीड ले जी अपनी कटली 69,000 ने लीड ले जी बेलावड़े कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय सब मलावीर एक तरफ और अपने एक तरफ। और मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं ने आप जनता ने मेहनत की। मैंने पहले ही कहा था जब टिकट का हुआ मैं 84 के अलावा दूसरी विधानसभा में ध्यान दूंगा और मैंने नामांकन के बाद भी 6 से 7 दिन दूसरी विधानसभा में गया और 84 के कार्यकर्ता डट के रहे इसके लिए तह दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बड़े बड़े कांग्रेस बीजेपी के नेता भी अपनी विधानसभा छोड़ के नहीं गए थे और आप पर मुझे भरोसा था और ये विधानसभा में कई दिन 6 से 7 दिन दूसरी जगह रहा और आपने आज संभाला। कने कल्पना भी नहीं की थी कि अटली लीड मिलेगा लेकिन आज साबित था ही क्यों। डूंगरपुर के अधिकारियों ने कहा मेरे को कि किसी ने सोचा भी नहीं था इतिहास में पहली बार इतनी लीड से जीते ही। और आपने से वोट नो अधिकार है लोकतंत्र, ये लोकतंत्र पहली बार आपने स्थापित था जो 2018 में और इस बार हाईएस्ट 2023 में लोकतंत्र कई नेता दादागरी दम माते अपने मनकर परेशान करता, कई लोगों ने दारू के दम पे, कई लोगों ने पैसों के दम पे, कई लोगों ने लड़ाई झगड़ा भी किया। और मैंने मेरे सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि अपन को चुनाव तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई हरकतें नहीं करनी है। मैं इन सारे कार्यकर्ताओं को दाग देता हूँ कि एक होड़े हमारे 150 कार्यकर्ता उबाए और कमल कांग्रेस वाला बेजड़े धांधली करते थे हमारे 150 आदमी नहीं बोले थे, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। मैं इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले बेतरल जोड़ा फालतू फोपन करी करते और हमारे 150 लोग खड़े रहते कुछ नहीं बोले और आपने रात दिन मेहनत करके जिताई, ये आपकी असली जीत है। बाकी पहला ने बार सब में बाड़ी उठी खबर पड़ी हो कि टिकट दिल्ली और जयपुर लाभा था कि मतलब ने टिकट ते 84 वाला आलेगा तेज जीते अपना बातें बहुत सारी है। एक बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे या तो ब्लॉक वाइज 3 रखेंगे ज्योति सिमरवाड़ा चिकली का या फिर अपन मंडल वाइज रखवाएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं की जो राय बढ़ेगी उसके हिसाब से बड़ा सम्मान समारोह रखेंगे।
और उस सम्मान समारोह में हमारे कई साथी, आज बारिश का हल्का था इसलिए नहीं आ पाए हैं, सब आएंगे और जी जी काम काज मैं हल्का ध्यान में ही, बाकी आपको किसी को परेशान नहीं होना है। लेकिन मैं आप सबको आज कहना चाहूंगा कि आपने कोर्ट कचहरी थाना वाला मामला थे कि थोड़ा दूर रहे हुए, क्योंकि अनाम तमे परेशान थो और मुहे परेशान थो और परिणाम जीरो निकले। आपने इन चीजों पे ध्यान देना है। मैं आज कहना चाहूंगा कि मु इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होऊंगा कि मुझे दिखता है कि मेरे समाज में ये थोड़ी गलत गलतियां हो रही है या मेरे समाज में ये गलत हो रहा है, मैं इसको रोकूंगा तो 100 का भला होगा तो 2-3 तो नाराज होंगे। लेकिन आपने मेरे पे विश्वास जताया है, 1,11,000 वोट दिए हैं आपने, तो मैं कोई समाज हित में कोई बात करता हूँ या निर्णय लेता हूँ तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फर्ज है, अब मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं समाज हित में कई निर्णय लूंगा, इसमें हो सकता है कुछ साथियों को नाराजगी हो सकती है, क्योंकि समाज का भला करना है। मारी प्रायोरिटी रहेगा सबसे ज्यादा शिक्षा, अनापटी स्वास्थ्य, खान पान, नशा पत्ता, और इसके बाद हमारा जो ऐतिहासिक और आरक्षण वाले जो संवैधानिक मुद्दे उस पर हम काम करेंगे। और इसमें आप सबका साथ सहयोग चाहिए, इसलिए आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और अवे ये बात, छोटा मोटा नाश्ता ने व्यवस्था की थी, आराम से सब पे नाश्तो लिवो है और नाश्तो ले सही सलामत अपने घेरे बार शांतिपूर्वक तरीके से जाते रहे वो है, और सब भी एक निर्णय ली तो बड़ा काबिरी मिल जाता है, कमल जीओ में नहीं बढ़ा कर आते हैं शांतिपूर्वक तरीके से कि और आराम से की आज नहीं रात हमारा दिवाली रहेगा। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। जगह।